हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सरिता और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सरिता पटेल टेक्स। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप भी ओप्पो का मोबाइल यूज़ करते हैं, अगर आप अपना मोबाइल यूज़ करते हैं ओप्पो का, तो उसमें भी हैंगिंग प्रॉब्लम जरूर आती होगी। अब वो हैंगिंग प्रॉब्लम से सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो उसको आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आज की वीडियो में कंप्लीट मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वरना आप लोगों की कुछ समझ में आता नहीं है फिर वीडियो पर आप दोस्त लगाते हैं कि आपने सही से समझाया नहीं। तो आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक आराम से देखते रहना ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप मैं समझा सकूं कि आप अपने ओप्पो मोबाइल की हैंग प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि आजकल कितना भी स्टोरेज का फ़ोन ले लो, कितना भी अच्छा उसका रैम रोम हो, तब भी आपका मोबाइल हैंग करता है। तो वो प्रॉब्लम आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे और आप अपने हर फोन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, आपका किसी भी कंपनी का फ़ोन हो। तो आप चलिए इसको यूज़ करके देख लीजिए, अगर आपको फ़ायदा अगर इससे होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। अगर आपको एक फ़ायदा हो जाता तो एक प्यारी सी कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि कमेंट आप करेंगे तो मुझे पता लगेगा कि मेरी वीडियो से काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और आपको बताते हैं कि आप अपने ओप्पो मोबाइल की हैंग प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या होगा, आपके लिए ओप्पो मोबाइल की हैंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा इसकी सेटिंग में। तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पे इसकी सेटिंग में और इसकी सेटिंग को हम यहाँ पे ढूंढते हैं। आपको सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग को हम सबसे पहले सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए सेटिंग का ऑप्शन आ गया है। अब जो सेटिंग का ऑप्शन आया है, अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिक्योरिटी का। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिक्योरिटी का। तो आप देखिए यहाँ पे आपको तीन चार ऑप्शन मिलेंगे, सिक्योरिटी अपडेट, गूगल प्ले प्रोटेक्ट, फाइंड माई डिवाइस, और यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा वो मैं आपके लिए बता देती हूँ। तो यहाँ पे चलिए हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा गूगल प्ले प्रोटेक्ट पे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इस पे क्लिक कर लेते हैं। तो जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है टर्न ऑन, यहाँ पे दिख रहा है टर्न ऑन प्ले प्रोटेक्ट स्कैनिंग। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे आपको इसकी जो ऑन दिख रहा है इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की स्कैनिंग होगी। तो आपको ये स्कैन कर लेना है। तो जब ये स्कैन हो जाएगा तो आपको क्या करना होगा, आपको ये देखिए जो सर्कल में घूम रहा है इसको ऐसे ही घूमने देना है। और आप देख सकते हैं कि नो हार्मफुल एप्स फाउंड, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा ऐप नहीं है जो हमारे मोबाइल के लिए हार्म करता हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो सेटिंग दिख रही है बराबर में आपको इस पे क्लिक कर लेना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों ऑप्शन है, ये किसी किसी के फोन में ये दोनों ऑप्शन इस तरीके से बंद होते हैं। पर आपको क्या करना होगा, आपको इन ऑप्शन को दोनों को इनेबल कर देना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इनेबल हो चुका है और जो पहला ऑप्शन है इस पे लिखा है स्कैन एप्स विद प्ले प्रोटेक्ट और दूसरा है इम्प्रूव हार्मफुल ऐप डिटेक्शन। तो आपको इनसे पता लग जाएगा जब भी आप इंटरनेट यूज करते हैं या आपके पास कोई भी ऐसी ऐप होती है आप यूज करते हैं, उससे कोई भी हार्मफुल जो हमारे लिए कुछ भी मिलता है तो वो सभी इसी से स्कैन हो जाता है और हमारा मोबाइल बिल्कुल ही सिक्योर रहता है। तो इससे आपको मोबाइल बिल्कुल भी हैंग नहीं करेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, अगर आपके लिए ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।